आज के इस लेक्चर में हम उन कोर्सेज़ को देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए, जिनकी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ें, आप इस जब कोर्स को पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको कोई इशू ना हो। क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, ये कुछ कंट्रीज़ में फुल कैट आर इसको कंसिडर किया जाता है। फुल कैट आर का मतलब यह है कि आपके पास इसमें एक लैब होगी और आपके पास थ्योरी भी होगी। और पाकिस्तान में इसको फोर कैट आर कंसिडर किया जाता है, जिसमें इसका मतलब यह है कि 3 कैरेट हमारे पास थ्योरी के हैं और 1 कैरेट हमारे पास लैब का है। हमें इस चीज़ का पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको साइड बाय साइड उन सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर तो आपके पास उन सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप उनको रिवाइज़ करें, और अगर नहीं है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन सब्जेक्ट्स को साथ साथ स्टडी करना शुरू कर दें। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा जो मेन एम है वो यही है कि हम पावर को कन्वर्ट करें। पावर कन्वर्जन के लिए जो सब्जेक्ट्स हमारे यूज़फुल होने वाले हैं वो सर्किट थ्योरी है, कन्वर्जन एफिशिएंसी है, स्विचिंग मैट्रिसेस आपको आनी चाहिए, आपको सिग्नल प्रोसेसिंग आनी चाहिए, आपको ईएमआई एंड फिल्टर सर्किट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मैग्नेटिक कंपोनेंट्स और रोटेटिंग मशीन्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये वो सब्जेक्ट्स हैं या वो टॉपिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इसमें अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो दूसरे चीज़ है जिसमें हम कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो पावर सेमीकंडक्टर हैं, और उसके लिए आपको किन किन सब्जेक्ट्स में आपकी जो ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो पावर डिवाइसेस हैं उनकी आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पावर आईसीज कौन कौन सी हैं। मोस्टली जो सब्जेक्ट है इसको एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब पढ़ाया जाता है। बेसिकली सेकेंड से थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है। बाकी बांग्लादेश, इंडिया ऐसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत स्टार्ट में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं। आपको अगर ने वो आपने अगर वो पढ़ लिए हैं तो आपका उनके ऊपर कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। ड्राइव सर्किट्स, उसके बाद प्रोटेक्शन सर्किट्स और हीट सिंक के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको सेमीकंडक्टर, जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अब क्योंकि हमारे सर्किट में जो थर्ड एलिमेंट था वो था कंट्रोलर। ठीक है। कंट्रोलर क्या था? जस्ट लाइक ब्रेन। ठीक है। हमें कंट्रोल के बारे में भी चीज़ों को पता होना चाहिए। कंट्रोल के लिए हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं? हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को देखने वाले हैं, हम आईसी कंट्रोल के जो पैकेजेस हैं उनको देखने वाले हैं, माइक्रो प्रोसेसर को देखने वाले हैं, इसके अलावा डिजिटल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाता है, आप इसको रिवाइज़ कर लें। पाकिस्तान में इस सब्जेक्ट को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कहा जाता है डीएलडी, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2। आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स 1, जिसमें आप सिंपल डायोड को पढ़ेंगे और फिर उसके जो सर्किट्स हैं आप उनको पढ़ेंगे, बीजीटीज़ हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में आप जाते हैं तो एफईटीज़ हैं आपके पास, मॉसफेट्स हैं। उनके जो सर्किट्स हैं वो किस तरह से सर्किट में जब यूज़ होती हैं तो उनके क्या ऑपरेशन होते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास लॉजिक डिज़ाइन आ जाता है, आपके पास के मैप, बहुत सारी चीज़ें, जस्ट आपके पास एक एक मैप होना चाहिए, आप उसको जस्ट उसका एक गो थ्रू कर दें। उसके बाद आप कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग आप अभी पढ़ रहे होंगे, उसमें आपको ट्रांजिएंट्स के बारे में पता हो, आपके पास जो स्टेबिलिटी के जो इश्यूज़ हैं वो आपके अब क्लियर हों कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल होता है, कहाँ पे वो अनस्टेबल होता है। ठीक है। उसके बाद डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है, इसको डीएसपी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे मोस्टली 5th सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है डीएसपी। इंडिया में भी और बाकी कंट्रीज़ में भी
इसको डीएसपी ही कहा जाता है। उसके बाद सिमुलेशन है। सिमुलेशन हम अगर हमने अगर हमारे पास कोर्स के बाद टाइम हुआ तो हम सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे। सिमुलेशन हम मैटलैब के अंदर करेंगे, सो मैटलैब की सिमुलेशन भी आपको आनी चाहिए। सो अगर आपको ये तमाम सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स अगर आप इनको कह दें, अगर आपके ये क्लियर हैं तो आपके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है और आपके लिए ये सब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।